दोस्तों, हर व्यक्ति यह बात भलीभांति जानता है कि उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही होगा, इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। लेकिन उसके बाद भी हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान हमेशा यही सोचता है कि अभी तो मैं 70-80 साल जीऊंगा और तब तक तो मुझे मृत्यु नहीं आने वाली। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम में से अधिकांश लोग इसी सोच के साथ अपना पूरा जीवन जीते हैं। लेकिन इसके पीछे जो वास्तविकता है, उस पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता। भले ही आप यह मानते हो कि आप कम से कम 70-80 साल जिएंगे ही, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक सांसें जो गिन रहा है, जो ले रहा है, ये खत्म होती जा रही हैं। और कब ये खत्म हो जाएंगी ये किसी को नहीं पता। कब कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए, ये हम में से कोई नहीं जानता। हम मनुष्य जब से जन्म लेते हैं, तब से पल पल मरते ही रहते हैं। लेकिन हम इस बात से बेफिक्र होकर अपने जीवन में मगन रहते हैं और हम इस चीज की अनुभूति भी कभी नहीं कर पाते। और इसका एकमात्र कारण है हमारी संवेदना। संवेदना के स्तर से हमारा शरीर, हमारा दिमाग बहुत नीचे होता है। और जिस दिन हमारी संवेदना का स्तर ऊपर उठ जाएगा, उस दिन हमें इसे एहसास कर पाएंगे और इसकी अनुभूति भी हमें अवश्य होगी कि हम किस तरह से एक एक पल, एक एक दिन मरते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। आपके मन में भी यह सवाल अवश्य उठा होगा, लेकिन अब तक आपको इसका जवाब नहीं मिल पाया होगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में दो जुड़वा भाई रहते थे। दोनों जुड़वा भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। उनके बीच का जो संबंध था वो बहुत मजबूत था। दोनों एक दूसरे की कदर करते थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। उनमें से जो बड़ा भाई था वह बहुत ही कामयाब इंसान था। अर्थात उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, धन दौलत वैभव सारी सुख सुविधाएं। वहीं पर जो दूसरा भाई था, उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसने मान सम्मान बहुत कमाया था। वह थोड़ा गरीब था पर अपने जीवन से संतुष्ट था। दोनों भाई अपने जीवन को मजे में जी रहे थे। देखते ही देखते समय बीतता गया। समय के साथ साथ वो दोनों अब बूढ़े हो चले थे। अब उनके पास अपने पूरे जीवन का केवल कुछ समय ही शेष बचा हुआ था। और ये ऐसा समय था जब दोनों भाइयों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी। जिसने बहुत अधिक धन कमाया था, उसने भी अपना जीवन जैसे तैसे ही काटा। और जिसने मान प्रतिष्ठा कमाई थी, जिसके पास उतना धन नहीं था, उसका भी जीवन जैसे तैसे ही कट रहा था। तब उन्हें यह एहसास होने लगा कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, उसका क्या अर्थ हुआ। वे दोनों यह सोच रहे थे कि हमने जीवन भर इतनी मेहनत की, इतना कुछ अपने लिए कमाया, लेकिन यह सब कुछ व्यर्थ ही रह गया। जिस कारण वे लोग बहुत परेशान रहने लगे थे और अपने जीवन की इस यात्रा को खत्म करने से पहले वे अपने सभी सवालों के जवाब जानना चाहते थे। एक दिन बड़े भाई के एक मित्र ने जब अपने मित्र को बहुत उदास देखा, तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तब उसने अपनी सारी आपबीती अपने मित्र को बता दी। इस पर बड़े भाई का मित्र कहता है, यहां पास ही में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उनके आश्रम में भीड़ लगी रहती है, वे सभी के हर प्रश्न का जवाब देते हैं। तुम वहां पर चले जाओ, तुम्हारे जो भी प्रश्न है वह उसका उत्तर तुम्हें अवश्य देंगे। वह बहुत ज्ञानी है, उनकी ख्याति
दूर दूर तक फैली हुई है। दूर दूर से लोग अपने सवालों के जवाब जानने के लिए उनके पास आते हैं। तुम भी वहां जाकर अवश्य एक बार अपने सवाल पूछ कर देखो। मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे। वह दोनों भाई उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं और अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जब वह वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। दोनों ने खड़े होकर वहीं पर इंतजार करना उचित समझा। जब वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए, जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि दो वृद्ध उनके सामने खड़े हैं। तब उन्होंने उनके यहां पर आने का कारण पूछा। तभी बड़े भाई ने कहा, हे महाराज, मैं आपसे अपने सवालों का जवाब जानना चाहता हूं। मेरे मन में कई सवाल हैं और मुझे उनके जवाब चाहिए। मैंने सुना है कि आप किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। आप सभी की समस्या का निवारण करते हैं। आप सभी की शंकाओं को दूर करते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे सभी सवालों का जवाब भी हमें अवश्य देंगे। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है या नहीं, यह तो तुम्हारे सवाल पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकूं। लेकिन हाँ, अगर तुम इन सभी सवालों का निचोड़ निकालकर मुझे केवल एक प्रश्न दो तो मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दे सकता हूं। अर्थात जीवन के सारे सवालों को एक ही सवाल में पेश करो तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूं। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर दोनों बड़े चिंतित हो गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपने पूरे जीवन के इन प्रश्नों को केवल एक प्रश्न में कैसे परिवर्तित किया जाए। दोनों सोच में पड़ गए। दोनों ने काफी देर सोच विचार किया, चर्चा की और उसके बाद बड़ा भाई कहता है, हे महाराज, यह तो बड़ी विचित्र बात है कि अपने जीवन के सारे सवालों को केवल एक सवाल में परिवर्तित करके हम आपसे कैसे पूछ सकते हैं। हमने बहुत प्रयास किया, हमने आपस में बातें भी की, लेकिन हम इन सभी सवालों को एक सवाल में परिवर्तित ना कर सके। लेकिन उसके बाद हमने कुछ देर और सोचा विचारा कि हमें किसी भी तरह से केवल एक सवाल ही पूछने का मौका मिला है, जिस कारण हम दोनों भाइयों ने आपस में सहमति करके अपने जीवन को केवल एक सवाल में पिरो दिया है। और यह सवाल मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे आज्ञा है? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अवश्य, जो तुम पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। तभी वो बड़ा भाई कहता है, हे महाराज, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों ने अपने जीवन को संतोषजनक जिया है। एक तरफ जहां मैंने खूब सारा धन इकट्ठा किया, वैभव और सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा की, वहीं पर मेरे भाई ने अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा इकट्ठा की और अपने जीवन को संतोषजनक जिया। लेकिन अब हमारे जीवन का वह समय आ चुका है कि हम कभी भी अब मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे मन में एक अजीब सा प्रश्न है और वह यह है कि हमें लगता है कि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी इकट्ठा किया है, यह सब कुछ व्यर्थ है। जैसे हमारे मन के कोने में कहीं कुछ खालीपन सा है, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है। लेकिन वह क्या है यह मैं समझ नहीं पा रहा। हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, धन, वैभव, मान सम्मान, सारी सुख सुविधाएं, वो तो सब यहीं रह जाएंगी। तब फिर ऐसे मूल्यों का क्या फायदा जिसके लिए हमने यह जीवन जिया, जो कुछ हमने इकट्ठा किया, जब वो सब हमारे साथ जाने वाला ही नहीं, वो सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। हमने अपने मूल्यों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, अपने आदर्शों के लिए
अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। हमने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बनाए, अपने आदर्शों को अपने मूल्यों पर दान कर दिया। यह सोचकर कि हमारे मूल्य हमारे आदर्श बचे रहें, लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें यह एहसास हुआ कि जिस मूल्य और जिस आदर्श को हम पीछे छोड़कर यह सोच रहे थे कि वह बचा रहेगा, वह तो एक ताज की तरह हमारे सर पर ही है। तो ऐसे मूल्यों का क्या फायदा जिसे मौत जब चाहे पूरी तरह से नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे। क्या हमें अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? क्या हमने जो कुछ भी हासिल किया यह सब व्यर्थ हो गया? और जीवन के जिस दौर पर इस समय हम खड़े हैं, हमें यह एहसास हो रहा है कि हम असली सत्य को पहचान ही नहीं सके। और वह असली सत्य क्या है यह भी हम नहीं जानते, लेकिन इस सत्य को जाने बिना भी हम अपने जीवन को त्यागना नहीं चाहते। जब हम यह सोचते हैं तो हमारा मन डर के मारे कांप उठता है, हमारे मन में एक अजीब सी पीड़ा उठती है। हम यह नहीं जानते कि वह क्या है और क्यों है, लेकिन हमें तो बस यह जानना है कि आखिर वह सत्य है क्या, आखिर वह खालीपन है क्या। इसलिए हे महाराज, आज हम आपके पास आए हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। इसलिए हम दोनों आपके सामने हाथ जोड़ते हैं और अपने इस सवाल का जवाब चाहते हैं। हम पर कृपा करें, हम जानना चाहते हैं कि इंसान के आदर्श, इंसान की मूल्य, इंसान के जीवन जीने का तरीका आखिर कैसा होना चाहिए ताकि वह अपने बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त हो सके, जिससे अंतिम समय में उसके मन में कोई दुविधा ना हो, वह खुशी खुशी अपने प्राणों को त्याग सके। प्राण त्यागते वक्त हमारे मन में कोई संकोच ना हो कि हमने अपने जीवन में यह कभी छोड़ दी है। हमें तो बल्कि यह खुशी होनी चाहिए कि हमने जीवन में जो कुछ भी किया वह बहुत अच्छा था। उन दोनों का यह सवाल सुनकर वह बौद्ध भिक्षु एक पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने काफी देर सोच विचार कर इसका जवाब देना शुरू किया। बेटा, हम मनुष्य हमेशा अंधकार में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अंत नहीं, हम तो यहां पर सदा के लिए जीने आए हैं। इसलिए हम केवल मौज मस्ती में अपना समय यूं ही व्यर्थ करते रहते हैं, उन चीजों को इकट्ठा करने में अपना समय लगाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं। और जब तक हम मनुष्य के जीवन में कोई बड़ी बीमारी या फिर बुढ़ापा जैसे जीवन के दौर जब तक हमारे सामने नहीं आते, तब तक तो हम अपने आप को अजर और अमर ही समझते रहते हैं। और हम इस अंधकार में जीते हैं कि हमारा मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या तुम दोनों को कभी यह एहसास हुआ है? क्या तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा पल गुजरा है जब तुमने शायद ही अपने अंदर जाती और बाहर आती सांसों के बारे में ध्यान दिया हो? क्या तुमने तब कभी यह सोचा था? क्या तुम्हें तब कभी यह एहसास हुआ था कि यह तुम्हारी सांसें जो अभी चल रही हैं, यह कब आखिरी सांस बन जाएं? मुझे यकीन है जब तुम जवान होगे तब तुम्हारे मन में ऐसे कोई सवाल कभी उत्पन्न नहीं हुए होंगे, क्योंकि उन दिनों में हमारा मन केवल वासनाओं में लिप्त रहता है। उसे तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करनी अच्छी लगती है। उसे हमेशा बस एक ही चीज की होड़ रहती है, हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, धन इकट्ठा करना है, मान प्रतिष्ठा, वैभव, वो सारी सुख सुविधाएं, एक अच्छा औदा, या फिर हमें एक संतोषजनक जीवन तो जीना ही है। और इसी प्रकार हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के मूल्य को, अपने आदर्शों को अपने जीवन के हिसाब से निर्धारित करता है। जब तक सब कुछ ठीक होता है तब तक हमारे मन में कभी कोई शंका या कभी कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई बुरा दौर आता है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है,
या फिर जब हम किसी गंभीर बीमारी से बीमार होते हैं, या जब हमारे सामने हमारे अंतिम समय नजर आता है, उस दिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि हमारे जीवन के आदर्शों का, जीवन के मूल्य का आखिर क्या महत्व? क्या हो अगर अभी के अभी मेरे प्राण निकल जाएं, तो क्या मेरे आदर्श, मेरे मूल्य मुझे संतोषजनक मृत्यु दे सकते हैं? परिपूर्णता से इस जीवन को त्यागने का साधन दे सकते हैं? और उस वक्त हमें यह भी एहसास हो जाता है, हमारे जीवन के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, ये सभी इस जमाने की देन है जो इस समाज ने हम पर डाला है, और इस बोझ को लिए हम अपना पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत कर देते हैं। तुमने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और इसी प्रकार उनका जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है, और उनके जो जीवन के मूल्य हैं, जो जीवन के आदर्श हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं। लेकिन यह आदर्श केवल एक मात्र कागज की नाव के समान है, और जब तेज बारिश होती है तो कागज की नाव तहस नहस हो जाती है। जब तक वह इंसान उस कागज की नाव में बैठा होता है और बारिश नहीं हो रही होती, तब तक वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अमर अजर मानता है। वह सोचता है कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करने में अपना पूरा समय गंवा दिया, अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब उसे यह भी एहसास हो जाता है कि जिन आदर्शों के, जिन मूल्यों के पीछे मैं भाग रहा था, वह तो एक कंकड़ पत्थर की भांति है। और आखिर समय में उसे यह भी एहसास हो जाता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है, और हम मनुष्य के हाथों में उस समय कोई समय नहीं बचा होता, क्योंकि मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है, और यही विचार इंसान के मन में पीड़ा उत्पन्न करता है, और तब उस व्यक्ति के मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, जिस कारण उसके मन में एक अधूरापन सा रह जाता है, एक खालीपन सा, जिसके कारण मनुष्य कभी भी परिपूर्णता से मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता, वह खुशी खुशी मृत्यु को गले नहीं लगा पाता। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या सचमुच मौत को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है? क्या वास्तविक तौर पर परिपूर्णता के साथ, संतोष के साथ मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है? और अगर आपको इस सवाल का सटीक जवाब मिल जाए, तो आपको आपकी जीवन की राह मिल जाती है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का दूसरा पहलू है जो आपको जीना सिखाती है, हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। जरा एक पल के लिए यह सोचकर देखो कि तुम अभी जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी सांस जो चल रही है वह तुम्हारी आखिरी सांस बन जाए, तो उस अंतिम क्षण में तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? एक पल के लिए यह सोचकर देखो, हो सकता है कि तुम्हारे मन में यह तकलीफ हो कि मैंने उस कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया, मैं अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, मैंने किसी से वादा किया था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक उसे पूरा नहीं कर सका। ऐसे कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे, और यही सवाल, यही पीड़ा हमें दीमक की तरह खाती चली जाती है। और यदि तुमने अपने किसी कार्य को या किसी लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया था उसे पूरा कर भी लिया है, तब भी आपके मन में हमेशा एक प्रश्न तो शेष बचा ही रहेगा, और वह यह कि जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था वह तो एक मिथ्या था, वह कोई वास्तविकता नहीं थी, वह परमानंद नहीं था। इसलिए वही कार्य, वही लक्ष्य तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचाता है, और तब हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है कि हमने अपने अज्ञानता के कारण अपने जीवन में एक गलत लक्ष्य चुन लिया, और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया, और जब तुम्हें यह पता चला कि वह लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन वह लक्ष्य तो
झूठा था। तब उस वक्त मन में जो पीड़ा उठती है वह असहनीय होती है। एक बार के लिए यह भी सोचकर देखो कि तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया था और उस लक्ष्य के लिए तुम उस मार्ग पर चलते चले जा रहे हो और तभी तुम्हें यह पता चलता है जिस लक्ष्य का तुम पीछा कर रहे थे, जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते थे, वह लक्ष्य तो दूसरी दिशा में रह गया। जब तुम अपने जीवन के दूसरी छोर पर पहुंच जाते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते थे वह तो जीवन के दूसरी छोर पर है और तुमने ही उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, आंखें खोलकर उसे कभी देखा नहीं। तुम तो बस इस अंधकार में थे कि मुझे तो अपना लक्ष्य पाना है, इसलिए अपनी आंखें बंद करके तुम अपनी दिशा में बढ़ते चले गए, यह सोचकर कि शायद जहां पर यह रास्ता खत्म होगा वहां मुझे मेरा लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। लेकिन आप यह भूल गए, यह तो जीवन है और जीवन तो हर कोई जीता है, यहां तक कि जानवर भी जीते हैं। खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं। एक जानवर भी मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है और वह भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि एक जानवर और इंसान के लक्ष्य में क्या फर्क होता है। जानवर का लक्ष्य सीमित होता है, उसे तो बस इतना ही चाहिए कि मुझे पेट भर के खाना मिल जाए और मैं आराम से अपनी जीवन को जी सकूं। इसके अलावा उसे अपना परिवार बसाना अच्छा लगता है और यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। वहीं पर एक इंसान यह सोचता है कि वह धन संपदा इकट्ठी कर ले, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, एक अच्छा घर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। और अगर इससे ज्यादा कुछ और करना है तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा लूं, जिससे मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन क्या आपने एक जानवर और एक इंसान के बीच के लक्ष्य की समानता देखी? दोनों का लक्ष्य लगभग एक जैसा ही होता है, उन्हें भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है, पेट भर के खाना खाना है। और इधर हर एक व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अपना परिवार और धन इकट्ठा करना है। तो जब दोनों के लक्ष्य लगभग एक जैसे ही हैं और दोनों का जीवन लगभग एक जैसा ही है, तो फिर हम इंसानों को यह अहंकार क्यों है कि हम एक इंसान हैं? हम क्यों भला अपने आप को उन जानवरों से ऊपर समझते हैं? आखिर वही जीवन हम भी जी रहे हैं और वह जानवर भी जी रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर इसका जवाब भी बड़ा सीधा और सरल है। एक इंसान के पास उसकी चेतना होती है, जिसकी चेतना ऊपर उठ चुकी होती है उसे इस बात का भलीभांति एहसास होता है कि एक इंसान के पास चेतना का फर्क है, जानवरों में चेतना नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ इंसानों की चेतना ऊपर होती है और इसी चेतना का इस्तेमाल करके यदि आप चाहें तो परमात्मा को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम मनुष्य तो केवल इस समाज के हिसाब से चलते हैं, अपनी चेतना का इस्तेमाल केवल धन संपदा, मान प्रतिष्ठा और समाज में अच्छा बने रहने के लिए, इस चेतना का छोटे छोटे चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किंतु यदि हम चाहें तो अपनी इस चेतना का इस्तेमाल करके हम जीवन को परमानंद की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे हमें जीवन का आनंद भी आएगा, उस परमात्मा का ज्ञान पा सकते हैं। लेकिन यह चेतना हम समय के साथ धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं, हमें इसका कोई एहसास नहीं रह जाता। इसलिए जब जीवन का अंतिम समय आता है तो हमारे मन में एक पीड़ा उठती है, हमारे मन में एक तकलीफ रहती है और वही हमें यह एहसास भी कराती है कि जो कुछ भी हमने अपने जीवन में हासिल किया है कुछ कंकड़ पत्थर के समान है। और यही कारण है कि जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमारे भीतर कई तरह के सवाल होते हैं और हमें कई तरह की तकलीफें भी उत्पन्न होती हैं, जिस कारण एक मनुष्य परिपूर्णता के साथ कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता। और तब समाज के वो सारे मूल्य, सारे आदर्श हम पर बोझ बनकर रह जाते हैं। उनका हम पालन तो करते हैं
लेकिन अधूरे चित के साथ, क्योंकि वह तुम्हारी खोज नहीं है, यह तो समाज की खोज है और इस समाज ने यह बोझ तुम पर डाला है। लेकिन जब हम अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि जिस आदर्श, जिस मूल्यों के लिए हम जी रहे हैं, उसे हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उसे अच्छी तरह से पहचान पाते हैं। और उस दिन यह आदर्श, यह जीवन के मूल्य हम पर बोझ नहीं बन पाते, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक दिशा का काम करते हैं, हमें एक रास्ता प्रदान करते हैं। इसलिए हर इंसान के जीवन में यह एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए कि वह अपने जीवन में चेतना स्तर को ऊपर उठा सके, जीवन के अपने हर एक पल, हर एक क्षण को चेतना के भाव से जी सके, अच्छी तरह से समझ सके, उसे पहचान सके। क्योंकि आप ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हमारा जीवन दो पहलुओं में विभाजित है, सुख और दुख। और जब हम चेतना से ऊपर उठ जाते हैं तब हमें यह भी एहसास हो जाता है कि सुख और दुख ये दोनों में ही हमारा एक समान का हिस्सा है। और तब मनुष्य का चैतन्य उसे ये बताता है कि यह तो एक परिस्थिति है जो आज नहीं तो कल गुजर जाएगी। तब उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता और तब वह इंसान सुख और दुख में लिप्त ना होकर अपने जीवन को अलग होकर जी सकता है। तब उसे यह एहसास होता है कि मैं तो इस सुख और दुख में शामिल ही नहीं हूं। और जब यह भाव उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाता है तो सारे व्यर्थ के लक्ष्य, जिनके पीछे भागने और दौड़ने की यह प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और तब जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह जाता है और वह है आत्म चैतन्य। लेकिन जो व्यक्ति आत्म चैतन्य से दूर रहता है उसका जीवन एक मिट्टी के घर के समान होता है। जब तक वह घर सुरक्षित है तब तक उसे लगता है, तब तक उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन जैसे ही कोई आंधी या तूफान उस घर को तोड़ देता है तब उसे यह यकीन हो जाता है कि मेरा तो यह मिट्टी का घर था जो टूट गया और मैं व्यर्थ ही इस मिट्टी के घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। तब उसे यह एहसास होता है, तब वह पश्चाताप करता है, रोता है, बिलखता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि वह व्यर्थ ही अपने जीवन को सबसे मूल्यवान समझ रहा था। लेकिन तब रोकर क्या फायदा होगा, सब कुछ तो बीत चुका, वह समय तुम्हारे हाथों से निकल चुका। अब जो भी क्षण तुम्हारे हाथों में है उस समय का इस्तेमाल करो। जीवन के आखिरी समय में पश्चाताप करके क्या फायदा, क्योंकि जो भी समय आपके पास बचा है आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है ना, जहां जागो वहीं सवेरा। अपने भीतर की चेतना को पैदा करने के लिए केवल एक पल ही काफी है और आपका पूरा जीवन एक पल में रूपांतरित हो जाता है। और अगर अब से भी आपके मन में चैतन्य पैदा हो जाता है और आपको यह लगता है कि जीवन क्या है, क्यों है और इस जीवन का असली अर्थ क्या है, यदि तुम इसे भलीभांति जान पाते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इस बात को भलीभांति समझ पाता है, जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन इस पल में रूपांतरित हो जाएगा और तुम्हारा जितना भी बचा हुआ जीवन है उसे जीने पर तुम्हें पश्चाताप भी नहीं होगा। तुम अपने जीवन को जागरूक होकर जियोगे, पूरे होश में जियोगे। इसलिए अपने जीवन को इस तरह से जियो जैसे वह आपका आखिरी दिन हो। अपने हर एक कार्य को ध्यानपूर्वक देखो, समझो आपके अंदर उठने वाले विचार, आपके अंदर उठने वाली भावनाएं, उन चीजों को ध्यान से देखो, समझो, जिससे आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका चैतन्य जाग उठा हो, और ऐसे व्यक्ति के लिए हर एक दिन अनोखा होता है, खास होता है। आपके लिए हर एक सुबह नई होगी, हर एक शाम अनोखी होगी। सोचो अगर हम अपने आप अपने जीवन को कुछ इस तरह से बना ले तो हमारा जीवन कितना रूपांतरित हो जाएगा और हर दिन हमारे लिए एक नया सूरज निकलेगा, हर दिन हमारे लिए
अनोखा बन जाएगा। हर दिन हमारे लिए चैतन्य के स्तर को ऊपर उठाने की एक सीढ़ी बन जाएगा। लेकिन हम मनुष्य अपने जीवन में व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहते हैं, अपने जीवन में ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं। हम व्यर्थ की धन संपदा मान प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, जो एक न एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा, और तब हमें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन यदि आपका मन चैतन्य से भर जाए तो आप हर चीजों का लाभ उठा सकते हैं। आप हर पल को भरपूर जी सकते हैं, हर एक क्षण आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन यदि आपका मन चैतन्य से भरा नहीं होगा तो आप उस पल मौजूद ही नहीं होंगे, तो भला आप उस पल को कैसे जिएंगे? उस पल क्या घट रहा है यह आपको पता तक नहीं होगा, और जब वह घटना होकर गुजर जाएगी तब आपको एहसास होगा, तब आप अपनी परिस्थिति को दोष देंगे कि मैंने तो अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य, अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्य निर्धारित किए थे। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि केवल लक्ष्य को निर्धारित करने से आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, अपने जीवन को आनंदमय नहीं बना सकते, और तो और आप अपने जीवन को जीना नहीं सीख सकते। यही तो परम सत्य है, और यही हमारे मन का आखिरी सवाल, अर्थात बुढ़ापे का आखिरी सवाल। इसका जवाब तो उन दोनों को मिल गया, लेकिन क्या आपको मिला? दोस्तों, अगर आप अभी भी अपने जीवन को चैतन्य होकर, जागरूक होकर जीना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन को परम आनंद की ओर ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन के हर पल का, हर क्षण का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप अपने जीवन में चैतन्य को प्राप्त नहीं करते तो इस जीवन के अंतिम समय में आपको भी केवल पश्चाताप ही होगा। तब उस समय आप केवल इस सोच में रह जाएंगे कि मैंने तो अपना इतना समय केवल सोते सोते गुजार दिया, मैंने अपना इतना समय केवल इधर उधर की बातों में लगा दिया। इसी प्रकार के कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे, और तब आपके हाथ केवल पश्चाताप ही रहेगा, क्योंकि आपका वह समय तो बीत चुका है और आप उस समय को वापस नहीं पा सकते। जब वह पल आपके हाथों से निकल चुका होगा तब आपको उसकी अस्थि अहमियत समझ आएगी, और तब आप केवल यह सोच रहे होंगे कि अब तो केवल मेरे पास कुछ ही क्षण बचे हैं। तब आप केवल रोते बिलखते रह जाएंगे, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। इसलिए दोस्तों, आज से और अभी से अपने जीवन को जागरूक होकर जीना सीखें। हर पल हर क्षण को खुशी से जिएं, ऐसे जिएं मान लो कि यह समय आपका आखिरी समय है, यह दिन आपका आखिरी दिन है, यह पल आपका आखिरी पल है, जिससे आपके लिए हर एक पल नया होगा, खास होगा और आप ही का होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।